हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, क्योंकि जब मैं मैथ्स अभी स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स पता होने चाहिए, जिससे आप इजीली मैथ को फटाफट सॉल्व कर सको, क्योंकि आज की डेट में स्पीड बहुत ही मैटर करता है। तो फॉर स्पीड मैथ आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बहुत ही ज़रूरी है जानने, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को 25, 125, 75, 50 इन सारे डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, इन सारे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखोगे और फट से आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? ऐसे ट्रिक्स मैं और भी आपको बताते रहूँगा। तो आज का इस सीरीज से मेरा पहला ये लेक्चर है, जिसमें आप 25, 125, 75 और 50 से मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स सीखेंगे, ठीक है? तो जिन लड़कों ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? उसके बाद उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज डालूंगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो में डालता हूँ, वो आपको तुरंत मिल पाए, ठीक है? तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम कि इस नंबर को हम 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? ये मैं छोटा नंबर लिया हूँ, आपको ही बड़ा नंबर लेकर आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि मतलब कितना इजीली आप इसे सॉल्व कर पाते हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, पहले 25 से करते हैं। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 25/100 इंटू 100, 25 चौका 100, मतलब 1/4 इंटू 100। मतलब आप कुछ 100 को भूल जाओ, आप 100 को लास्ट में मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट लास्ट में आप 2 जीरो बढ़ा देना। आपको क्या करना है कि 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे आपको 4 से इसको डिवाइड कर देना है। इस नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। तो अब बताओ क्या होगा? 1, फिर 0, 4 8 32, मतलब 108 आया। और ये 100 से जो मल्टीप्लाई मैंने बोला था, ये जो मैंने 100 से जो मल्टीप्लाई बोला है, इसको आप क्या करना है, 100 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बस 2 जीरो बढ़ा दो, आगे हो गया मल्टीप्लीकेशन, बस इतना सिंपल है। तो इसको आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको 3450 मल्टीप्लाइड बाई 25 है। आपको क्या करना है, मैंने बोला बस इसको 25 को आप 1/4, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दो, और आपको कुछ याद नहीं रखना, बस 4 से डिवाइड करो। 4 8 32, 2 आया, 4 4 6 24 आया, फिर 10 हुआ, 4 2 8 पॉइंट, 2 4 5 20। सो आप इसको, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 6 2 5 0, आ गया आंसर। कितना सिंपल है, आप खुद बताओ। इसमें आपको 25 से मल्टीप्लाई करने में आप क्या करते हैं, इसके नीचे आप 25 लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या कुछ लोग हैं जिसको याद है 25 का मल्टीप्लीकेशन तो फटफट करते हैं, लेकिन ये कितना ईजी है, आपको 25 को बस 1/4 करना है, मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है। वैसे ये बात आओ, 125 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 125/1000 × 1000 लिख सकते हो इसको। इसको 1/8 × 1000 हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको 1/8 करना है, मतलब इसको 8 से मात्र डिवाइड करना है, और उसमें 1000 से मतलब 3 जीरो बढ़ा देना है राइट साइड में, ठीक है? तो 8 से इसको डिवाइड करो, ठीक है? 24, सॉरी, 8 चौका 32, 32 4 हुआ, फिर 8 5 40, 0 8 2 16, और इस पर आप क्या करो, 3 जीरो आगे बढ़ा दो, हो गया मल्टीप्लिकेशन। कितना सिंपल है, कितना ये सिंपल है। आप 125 को इसके नीचे लिखते, मल्टीप्लाई करते, बहुत लेंदी हुआ था ना, तो आप इसको आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और ये सब आपका एप्लीकेशन कब पड़ेगा, जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मान लो कि प्रॉफिट लॉस हुआ या कोई भी चीज़ हो जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन की अपनी मतलब आ रही है, तो उस टाइम पे आपका क्या हुआ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहाँ पे आप बस देखोगे और आंसर करोगे, ठीक है? और नेक्स्ट आपका 75, 75/100 इसको हम लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं। इसको आप काट छांट करो, 3/4 × 100 हो जाएगा, मतलब हमको 4 से इसको फट से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, आ गया मेरा आंसर, राइट? 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, 4 2 8 और 4 4 16, ठीक है? इसमें आप 3 से फट से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 3 2 6, 6 1 7, 36 18, हो गया। इस पे 2 जीरो बढ़ा दो, हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। इसको 75 से मल्टीप्लाई मैंने इजिली कर रखा है। अब ये आपका है 50 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है? आपको इसे 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे क्या कर सकते हो कि आप तो 5 से मल्टीप्लाई करके 0 बढ़ा दो,
वही बहुत ही इजी है। और नहीं तो फिर आपको 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 50/100 इंटू 100 लिख सकते हैं, मतलब 2 आपको 1/2 × 100 हो गया। आप इसको बस हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 छक 12, 2 दुनी के 4, 2 छक 12, और इस पर आप 2 0 बढ़ा दो, हो गया आंसर। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट में समझना इसको, ठीक है। तो कितना सिंपल है, इसको आप लोग खुद से करो, कुछ अपने से बनाओ, जब एक दो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है। आपको जैसे 25 दिखेगा, आपको 25 हो जाएगा, आपको 25 नहीं दिखना, बस 4 दिखना है, 4 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। 25 आया, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, हो गया 125 आया, मैंने इसको 8 से डिवाइड किया और मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे भी आप जैसे ही आप क्वेश्चन बना सॉल्व करोगे तो कुछ डिजिट मिलते ही आप समझ जाओगे कौन सा मेरा आंसर आ रहा है। लास्ट में 0 को तो ऐसे ही आप निगलेक्ट कर सकते हो और सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 75 था, मैंने 3/4 × 100 किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 से मैंने डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मैंने ले लिया। 50 से 1/2 किया, आंसर हो गया। मतलब बहुत सिंपल है, ये सब ट्रिक्स आप लोग को जानना चाहिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो, ठीक है। इससे आप इजिली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। मैं और भी इस तरह के ट्रिक्स देते रहूँगा आप लोगों को इस चैनल पे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो। और अगर ये चैनल ज़्यादा मतलब लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।